गुरुवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकत्री कल्याण सेवा समिति की सैकड़ों की संख्या में कार्यकत्री इकट्ठा हुई और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी 19 ब्लॉकों से आशा कार्यकत्री इकट्ठा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम आशा बहु जच्चा बच्चा को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सरकारी आंकड़े गवाह हैं कि हमारी नियुक्तियों के बाद प्रदेश देश में मृत्यु दर में भारी कमी दर्ज हुई है। स्वास्थ्य विभाग बताता है कि आशा बहु स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। इसके बाद भी सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इन आशा बहुओं की उक्त समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में विशाल धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने कहा, मुझे मिली है लेकिन अभी कोई खास सूचना नहीं। कभी छेड़छाड़ के बैठ गए होते हम भी और हमें भी दिक्कत है। इन भाइयों से मेरा निवेदन है कि अगर मान लीजिए हमको सब कुछ देना चाहिए, जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। अगर मान लीजिए हमें कभी ये हमारा आज धरने का 14वां दिन चल रहा है और अभी तो कोई ऐसा ठोस निर्णय नहीं मिला। अधिकारी अपने काम कराने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि अगर ये आशा बहने जो हैं हड़ताल पर बैठी हैं तो हम एनम बहन से और आंगनबाड़ी बहनों से काम कराएंगे। अभी ये अपना व्यवस्था बना रहे हैं लेकिन ये व्यवस्था हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी आशा बहने अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं और ये इनकी हमें शुद्ध बुद्ध नहीं है। ये अपने काम के चक्कर में है कि हमारा काम कैसे होगा। लेकिन दस्तक अभियान चाहे कोई भी अभियान होगा, अगर हमें नहीं मिलेगा, हमारी बहनों को नहीं मिलेगा, तो मैं किसी को करने नहीं दूंगी, न चैन से रहने दूंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर हम लोग घेराव किए थे और काफी संख्या में प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय अपने स्वास्थ्य कर्मियों से कहते हैं हमें कोई संदेश नहीं है, न हमें कोई सूचना है कि ये ऊपर की बात है तो हाँ हम उन लोगों का क्या करेंगे। उस सीधे जो है नकार रहे हैं। अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नकार रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है, तो फिर हम पूरी संख्या के साथ जो है सड़क जाम करेंगे और आंदोलन ही करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।